आमे बर्तमान आसी पहुंची छु ज्योतिर्मठ जोटा कि सबुठ पुरुणा शंकराचार्य आदिगुरु शंकराचार्य 2500 वर्ष पूर्वे प्रतिष्ठा करते तार एक झलक कैमेरा पर्सन आदित्य कह आपको देखेबे ये जो आप छोट मंदिर देखिपे जो नरसिंह मंदिर ठीक पछपटे से छोट मंदिर जोटा कि आजबेस्टस घर रही ह्वाइट कलर ता भितर ही ये छोट जो मंदिर रही हूँ 2500 वर्ष पूर्वे जो आदिगुरु शंकराचार्य थे ही प्रतिष्ठा करते जहाँ ज्योतिर्मठ भाव में प्रसिद्धि लाभ करता किंतु परवर्त पर्यायर अपभ्रंश होकर जोशीमठ कराइला कि बर्तमान पुणि थे ज्योतिर्मठ भाव या नामित कराई नामकरण कर तार ठीक पाखे आप देखिपे ये जो मंदिर रही नरसिंह मंदिर जो रही आदिगुरु शंकराचार्य सी प्रतिष्ठा करते बर्तमान दिव्य दिव्य मंदिर में परिणत हो तार गोटे पेरीफेरी डेवलप कराई काफी सुंदर दृश्य मनोलोभा दृश्य जी आप जो स्थान ढड़ा है मठर ही गोटे अंश बिल्डिंग से स्थान ढड़ा तार पछपटे आप जो देखुं विशालकाय पर्वत ये हाथी पर्वत बोली से कहुए पर्वत देखुए पूरा थुंटा पर्वत बोली कहुच्छे जोटि गोटी गच्छ नजर को आँ बा गच रही कि पूरा थुंटा जी आप देखिए ये अधिक आलोचना करवा आम सहित ज्योतिर्मठर प्रभार रही वशिष्ठ ब्रह्मचारी सीधा साल सहित आलोचना करवा केतेदिन धरी से रोच्च कौन अधिक तथ्य रही चैनल को स्वागत करता हूँ। ये जो आदिगुरु शंकराचार्य की बनाई हुई धरोहर है ये आज ऐसे लग रहा है कि कोई विपत्ति आई है इसके ऊपर, इसको लेकर आप क्या प्रतिक्रिया रखेंगे? ये आज से 2500 साल पूर्व भगवान शंकराचार्य यहाँ पर आए हैं तो तब से लेकर यहाँ पर प्राकृतिक आपदाएं लगातार आती रही हैं और लगातार आपदा होता रहा है, पर भगवान की ऐसी कुछ कृपा हुई है कि कोई ज़्यादा प्रकृति पर जब जब प्रकृति से छेड़छाड़ किया गया है प्रकृति ने हमेशा अपना बदला लिया है, प्रकृति ने छोड़ा नहीं, प्रकृति अपना बदला लेने में कोई कसर नहीं छोड़ती है। भगवान शंकराचार्य ने यहाँ पर 2000 वर्ष पूर्व यहाँ पर आकर के जप साधना और आराधना किया, ये नरसिंह मंदिर की उन्होंने स्थापना किया, यहाँ पर उनकी पूजा पद्धति पूजा शैली थी और तब से लेकर के आज तक ये निरंतर ये परंपरा चल रही है। 6 महीने भगवान बड़ी विशाल के कपाट बंद होने के बाद में इसी जगह पर जो आप मेरे पीछे मंदिर देख रहे होंगे यहीं पर भगवान का 6 महीना गद्दी स्थल पूजा होती है, यहीं पर 6 महीने लेके आते हैं भगवान का चल विग्रह और भगवान शंकराचार्य की गद्दी यहीं पर आती है। 6 महीने यहीं पर पूजन होता है कपाट खुलने से पहले, यहीं से 6 महीने पहले बाद में भगवान का विग्रह और गद्दी जो है बद्रीनाथ धाम में जाती है। मौसम जो बात करें, काल धूप तेज थी, आज मौसम में काफी चेंजेस आ रहा है, बारिश भी ऊपर शायद हो रहा है, बर्फ भी गिर रहा है शायद कभी कभी, यहाँ पे ऐसे अचानक बादल चेंज होता रहता है। ऐसे पुराने लोगों की एक कहावत है यहाँ पर कि जोशीमठ का मौसम और बंबई का फैशन इसका कोई पता नहीं कब बदल जाए। अच्छा। यहाँ पर अभी एक क्षण पहले धूप ही, एक क्षण बाद बारिश आ गई, हो सकता है तभी बर्फ भी आ जाती है, तो मौसम का यहाँ कोई अंदाज नहीं लगाया जा सकता है, एक एक क्षण में बदलता रहता है। कल परसों बहुत सुंदर यहाँ पर धूप थी, आज ऐसा लग रहा है कि अभी बारिश, ऊपर पहाड़ देख रहे हैं, ऊपर पहाड़ियों में बर्फ, ये आप सामने जो बर्फ पड़ी है आज की ताजी अभी पड़ी रही है, सामने ये बर्फ पड़ रही है, तो यहाँ मौसम के लिए कुछ कहा नहीं जा सकता है। और यहाँ के लोग इस मौसम को देखते हुए, इस आपदा को देखते हुए इतने डरे हुए हैं, इतने सहमे हुए हैं कि घरों की रात लोग दरवाजा बंद नहीं कर पा रहे हैं, भाग जा रहे हैं कि कब किस घड़ी कौन सी आफत आ जाए, इसकी कोई गारंटी नहीं है। ये ऐसे भी बातचीत हो रहा है, ये काफी वायरल भी हो रहा है कि इसको लेकर शंकराचार्य जी ने कुछ बात ऐसे बोले थे कि 2500 वर्ष पहले कि इसके जोशी मठ जो है, ज्योतिर्मठ जो है, उसके ऊपर भी कोई आपदा आ सकता है, विपत्ति आ सकता है, ऐसे को मतलब कोई ऐसे सटीक जानकारी है क्या? ये काफी वायरल हो रहा है अभी अभी, ये सब बातें मैं भी सुन रहा हूँ पर इसका मेरे पास कोई पुख्ता प्रमाण नहीं। अभी 1-1.5 साल पहले यहाँ पर प्राकृतिक, अब ऋषिगंगा डैम जो फटा है यहाँ से 15 किलोमीटर दूर पे फटा है, तो ऐसी आपदाएं हिमालय में आना कोई, क्योंकि हिमालय से जब छेड़छाड़ की जाती है तो देवी देवताओं का प्रकोप जिसे कहते हैं, देवी आपदाएं आती रहती हैं। तो अभी 1-1.5 साल पहले यहाँ पर जो तपोवन के पास में गौरी ने भगवान शंकर को पाने के लिए यहाँ तप किया, द्रोणागिरी पर्वत के पास में
ऋषिगंगा डैम नामा था। वो डैम 2013 में शायद पूरा हुआ और 20-21 में फट गया, तो उससे इतनी बड़ी आपदा आ गई, हजारों हजारों लोग मर गए, कितने लोग मर गए ऐसी कोई गिनती नहीं। तो ऐसे समय समय पर महापुरुषों के द्वारा भविष्यवाणी हुई है, महापुरुषों के द्वारा अनेकों अनेकों लोगों ने ऐसा कहा है कि भाई हिमालय प्रकृति से छेड़छाड़ न करो, यदि प्रकृति से छेड़छाड़ करोगे तो प्रकृति कभी बख्शेगी नहीं अपने जीवन। बड़े बड़े ऊंचे बन रहा है, दीवार बन रहा है, बड़े बड़े बिल्डिंग बन रहे, ये भी कारण हो सकता है क्योंकि काफी पुराना जो बिल्डिंग है हम जो देख रहे हैं, छोटे छोटे बिल्डिंग था, दो टाइप का बिल्डिंग भी यहाँ पे नजर आ रहा है सामने। यहाँ का क्या है मेन, जो यहाँ की पहाड़ की अपनी जो क्षमता है, पुराने जो लोग थे वो बड़े टेक्निकल थे, उनकी जो सोच थी वो इस धरती की क्षार क्षमता को जानते थे, तो वो उसी हिसाब से अपना बनाते थे। पर वर्तमान में लोगों ने 6-6, 8-8, 10-10 मंजिल को जो बना दिया है, धरती उसका जो भार है वो सहन नहीं कर पा रही है, तो ये भी एक मेन इसमें कारण है कि जो इस तरह का हैवी स्ट्रक्चर जो बन गया है वो पृथ्वी। फिर यह ड्रेनेज सिस्टम की समस्या है, हिमालय में ड्रेनेज सिस्टम जो लैटिनों के पीठ धरती में जो बने हुए हैं, हाँ जहाँ 500 लोगों की रहने की क्षमता थी वहाँ 50,000 लोग रह रहे हैं, उतना पानी सब धरती में जा रहा है, धरती उससे सोख रही है, तो कहीं ना कहीं वो अपना असर दिखा रही, ऐसा वैज्ञानिकों का कहना है। अभी जो वैज्ञानिकों की टीम यहाँ पर पिछले 2-3 दिन से आई है, भारत सरकार ने भी भेजा है, राज्य सरकार ने भी भेजा, IIT रुड़की से तमाम वैज्ञानिक यहाँ पर आए हुए हैं, वो इसका सर्वेक्षण कर रहे हैं। अभी यहाँ जोशीमठ के नीचे JP कंपनी जहाँ इंडस्ट्रियल है, वहाँ पर 6 इंच मोटा पानी निकल रहा है 4 दिन पहले से, जो है धरती के अंदर से, उसके सैंपल भी उठ गए, ये पानी आ कहाँ से रहा है, क्या इसका कारण है, तो ये सब चीज़ें। पीछे जो डैम फट गया, डैम की वजह से क्या हुआ कि अलकनंदा का जो कटान है वो शहर की ओर आ गया है, शहर की ओर उसके जो कटान शहर की जमीन को काट रहा है, तो उसको भी कई लोग। पर जब तक वैज्ञानिकों के द्वारा कोई पुख्ता और प्रमाण रिपोर्ट नहीं आती है, जो 50 प्रकार के लोग 50 प्रकार की बातें कर रहे हैं, तो अभी सबको उसकी प्रतीक्षा है। जैसे जैसे आप बता रहे थे कि शंकराचार्य ने बताया था कि जोशीमठ जो है, ज्योतिर्मठ जो है, वो भी एक आपदा प्रभावित एरिया है, मतलब लैंडस्लाइड के ऊपर। देखो सुनो, हिमालय का लगभग सारा एरिया आपदाग्रस्त क्षेत्र है, हिमालय में कोई रहना आसान नहीं है, हिमालय का और हिमालय से छेड़छाड़ करना, यहाँ तो ऋषि मुनियों की भूमि है, यहाँ जब तब साधना आराधना की भूमि है, अब इस भूमि में 5-स्टार होटल बन जाएंगे, 5-स्टार व्यवस्थाएं बन जाएंगे, तो वो कहाँ सहन हो पाएगा। अब से पर्याप्त केदारनाथ आपदा आपने देखी होगी 2013 में, पूरा केदारनाथ में पांव रखने की जगह नहीं थी, सारा बहा दिया, तो प्रकृति कहीं ना कहीं अपना कोप दिखाती है, अपनी व्यवस्था दिखाती है, जिसकी वजह से ये समय समय पर होता रहा। ये 2500 साल पुरानी जो है धरोहर पे जो शंकराचार्य जी ने सोच रखे थे, जहाँ पे मठ बनाया गया, हमारा पुरी में भी एक मठ है, जैसे द्वारकाधीश में भी द्वारका भी मठ है, 4 जो हमारा हिंदू धर्म है, सनातन धर्म में भी जो 4 जो मानते हैं कि 4 धाम, उसमें भी 4 मठ स्थापित किया गया था। आज यहाँ पे एक आपदा आ रही है, आपको क्या लग रहा है इसको लेकर? ये ऐसा है कि भगवान की, ये कहा जा सकता है कि भगवान की ऐसी कृपा है या प्रकृति का, ये प्रकृति से खिलवाड़ है, प्रकृति जो ये टनल न खुलते, हिमालय से छेड़छाड़ न की जाती, ये जोशीमठ जो शहर जहाँ हम खड़े हैं, इस शहर के नीचे से टनल जा रहे हैं, सुरंगें जा रही हैं, उन सुरंगों में जो ब्लास्टिंग हो रही हैं उससे ये पूरे पहाड़ हिल रहे हैं, दरक रहे हैं, ये उसका मुख्य कारण है, इस वजह से ये हो रहा है। ये भी, ये जो पुराना बिल्डिंग आप देख रहे हैं, अभी हम देख रहे हैं, ये कितने साल पुराना हो सकता है? इसको 500 साल पुरानी ये बिल्डिंग है, हम अपने पूर्वजों से जो सुनते हैं, इस बिल्डिंग की जो आप नींव देख रहे होंगे, इसकी नींव कम से कम जहाँ हम खड़े हैं यहाँ से 15-20 फुट नीचे है, और 10 फुट कहते हैं, 10-15 फुट इसकी नींव चौड़ी है, ऊपर जा कर के इसका टॉप ढाई फिट का है, और ऊपर 3 सेट पड़ा हुआ, पहले स्लेट की मकानें थी, तो स्लेट की मकानों में और 3 सेटों का वह हल्का होता था, पहले यहाँ जो मकानें होती थी वो छप्पर, लोग छप्पर घास वास का छप्पर डालते थे, स्लेटें डालते थे, उसका वजन हल्का होता था, तो धरती उसका वजन उसका सहन कर लेती थी, उसका जितना पानी होता वो भी सोख लेती थी। अब जो जितना भी हैवी स्ट्रक्चर जो बन रहा है, जितना हैवी से हैवी लोगों का भी बहुत बढ़ोतरी हुआ है, काफी लोग भी एक समय में ऐसे कहा जाता है कि यहाँ पर जो जहाँ आप खड़े हैं, यहाँ पर गिनती के 20-25-30 मकान थे
उतनी ही यहाँ पर आबादी थी। अच्छा। एक समय बाद में यहाँ पर 25,000 से ऊपर आबादी हो गई है जो यहाँ की लोकल है। आर्मी एरिया भी यहाँ पर है, कम से कम 5-6 लाख आर्मी यहाँ रहती है। ITBP है, भारत तिब्बत सीमा पुलिस है, गढ़वाल स्काउट है, ये 5-6 लाख की बॉर्डर एरिया है। बॉर्डर का ये अंतिम शहर है, भारत का अंतिम शहर है। चाइना और तिब्बत दो बॉर्डर इसे टच करते हैं, उन सब का ये मुख्य बाजार है। तो यहाँ फिर यात्रा सीजन में यात्रा पड़ाव भी है, यहाँ हजारों लाखों लोग आते भी हैं। तो ये सारा पानी की जो व्यवस्था है, ये सारा जो लोड है, ये कहीं ना कहीं पड़ रहा है, जिसकी वजह से धरती पर ये सारा वो अपना बैलेंस अनबैलेंस जो हो जा रही है, इसका मैंने जो काफ़ी लोग आपसे भी टच कर रहे होंगे, काफ़ी लोग आपसे भी परामर्श ले रहे होंगे, जो लोकल लोग हैं, आप यहाँ पे बैठे हुए हैं प्रभारी की तरह, तो लोगों का क्या मैसेज दे रहे हैं, क्या परामर्श दे रहे हैं, क्योंकि लोग टफरा टफरी मचा हुआ है, तो उसमें ना भाई की वातावरण उसमें हमारी तरफ से यही कहना है भाई, भगवान की पूजा आराधना साधना करो, भगवान की भक्ति करो। उसके लिए यहाँ पर निरंतर जब तक पूजा पाठ चल रहा है, जिन लोगों को बाहर रखा गया है, जो कैंपों में रखे गए हैं, उन सब की व्यवस्थाएँ हो रही हैं। मैं स्वयं भी जाकर सब जगह पर्सनल परिवारों से मिल रहा हूँ, उन सब व्यक्तियों से मिल रहा हूँ, उन सब की जो मदद हो सकती है मटकी ओर से सबकी व्यवस्था हो रही है, सब लोगों को सुव्यवस्थित किया जा रहा है। और इस तारीख से कुछ यज्ञ के भी शुरू पीछे ऐसा है, कल से यहाँ पर जो है नरसिंह मंदिर परिसर में सतचंडी महासहस्रचंडी महायज्ञ की बात हुई है, वो चल रही है, उसकी व्यवस्थाएं चल रही हैं। भगवान का यहाँ पर पूजन साधना आराधना की जा रही है, यहाँ पर लोग शुरू होगा, ये कल से शुरू हो गया है। अच्छा। और अभी यहाँ भगवान की दया से कुछ लोगों ने ये व्यवस्था करी है कि भगवान का यहाँ पर पुराण, नरसिंह पुराण आदि, भगवान की देव कृपा का जो है, भगवत की कृपा से सब, जब जब ये हिमालय का ये सिद्धांत रहा है कि जब जब भी कोई आपदाएं, प्राकृतिक आपदाएं आती रही हैं, लोगों ने भगवान की पूजा आराधना साधना किया है और ये सब चीजें रुक गया है, ये अब तक के इतिहास में यहाँ का। ये जो चट्टान बना रहा है, ये बनी हुई है, ये क्या पत्थर से, पत्थर का है ये? ये पूरा मकान पत्थर का बना हुआ मकान है। 3 फुट अगर आप इसका फर्स्ट मंजिल आप इसका देखेंगे, कम से कम 2-2.5 फुट एक गद्दी भी नजर आ रहा है अंदर, वो ये भगवान शंकराचार्य की गद्दी है। आप इसको, मैं कहूँगा आपको इधर दिखाएंगे अंदर की व्यवस्था, ये हिमालयी शैली से बना हुआ मकान है। जो जो इस प्रकार की शैली के बने हुए जो मकान है, उन मकान आप आपके सामने देख रहे होंगे कि जितने भी नए हैवी स्ट्रक्चर बने हैं वो सब स्ट्रक्चरों पे दरार आ गई है। अच्छा। ये आपके सामने 500 साल पुराना ये जो देख रहे हैं, इस पे एक भी दरार आप देख लीजिए, और हिमालय सैनिक का जो बनावा जो मकान है, इसकी बनावट को आप देख लीजिए, कहीं ईट गारा सीमेंट नहीं है। ये आपके सामने आप देख लीजिए, ये इस तरह की ये जो शैली बनी हुई है, ये देवदार की लकड़ है। अच्छा। हाँ, ये सब देवदार की लकड़, देवदारू का ये लकड़ बना हुआ है। ये सब आप ये शैली थी, आज इस लकड़ी का कोई ज्यादा वजन भी होता नहीं, कोई वजन इसमें नहीं है। और इस तरह की शैली, ये जो गर्मियों में ये ठंडे होते हैं और ठंडियों में ये मकान गर्म होते हैं, तो ये बीच में आप, मैं इधर दिखाऊंगा, ये बीच बीच में ये देख रहे होंगे, लकड़ी जो पड़ी हुई है, ये दीवारों के बीच में जो ये लकड़ी डाली रहती थी, तो ये इसके लिए बैलेंस बनाने के लिए था कि कभी कोई बात होती थी, वो वजन लकड़ी में 50-50 एडजस्ट हो जाता था। तो इस तरह की ये शैली, ये ऊपर मैं आपको बताऊंगा, ये ऊपर आप जो कड़ी देख रहे हैं, ये अगर कोई बात हो, इसका कोई वजन नहीं है, इसका कोई वजन नहीं है, और कितने समय समय पर इसकी रिपेयरिंग कर दी गई है, इसको बदला गया है, तो ये व्यवस्था थी हिमालय की। अब क्या है कि हजारों हजार टन कितना सीमेंट है, कितनी व्यवस्थाएं हैं, कितना क्या है, उसको ये धरती को सहन करना बड़ा मुश्किल। ये जो गद्दी पीछे है आपके, ये गद्दी, ये जो जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी माधवश्रम जी महाराज हैं, उनकी ये गद्दी स्थल है। अच्छा। वो जब आते हैं यहाँ बैठते हैं, यहाँ से अपने भक्त लोगों को दर्शन देते हैं, ज्योतिर्मठ प्रवास पे जब जब होते हैं। यहाँ पे भी काफी शिष्य है, कितने बच्चे को आप यहाँ पे शिक्षा दान करते हैं? यहाँ पर मठ, हमारे इस मठ से 2 विद्यालय को संचालित, एक पाश्चात्य संस्कृति को रोकने के लिए हम लोगों ने आधुनिक शिक्षा ग्रहण को लेकर एक विद्यालय यहाँ पे चलाया है। अच्छा। जिसमें 300 बच्चे पढ़ते हैं, CBSE बोर्ड, शंकराचार्य स्वामी माधवश्रम पब्लिक स्कूल CBSE बोर्ड, एक हमने यहाँ मठ में अपनी भारतीय संस्कृति, भारतीय जो हमारे वेद शिक्षा है, उसकी शिक्षा के यहाँ पर 60 विद्यार्थी पढ़ते हैं। इस समय यहाँ पर शीतकालीन छुट्टी पड़ी हुई है, विद्यार्थी लोग फरवरी के लास्ट लास्ट में आएंगे।
तो पूरे उसके साथ साथ तो पूरे भारत के जो लोग आते हैं यहाँ पर अध्ययन अध्यापन के लिए, वेद का पाठ सुनने के लिए, तो यहाँ पर ये निरंतर मठ अपनी व्यवस्था चला रहता है, भारत में प्रचार और प्रसार के लिए सनातन धर्म का प्रचार करता रहता है। थैंक यू। आपन शुणुले आम सहित थिले ब्रह्मचारी विशिष्ट ब्रह्मचारी आमको पूरा तथ्य दौले शंकराचार्य आपत देखिपे गादी स्थल रही ये रही जो शंकराचार्य आठ ही विराजमान कर प्रवचन दौरान बाहर आम देखलु भगवान जो जो रही नरसिंह मंदिर ताखे ही अढ़े हजार वर्ष पूर्व जो रही थे आदिगुरु शंकराचार्य सी ही प्रतिष्ठा करते सेठी मठ मध्य रही ज्योतिर्मयी मठ जोटा कि ओरिजिनल ज्योतिर्मयी मठ बोली कह जाए जहाँकि जोशीमठ परवर्त पर्याय ना चेंजेस अपभ्रंश होती पुणि थ ज्योतिर्मठ हाबू जाऊँ सूचना दौले सरकारी दिग्गर काम कर दरार आसी जो फाट आसी अनेक बिल्डिंग रे तार अनेक गुड़े कारण से आमको कहले छिड़छाड़ कर मनुष्य निजर स्वार्थ साधन पर बड़ बड़ उच्च अट्टाड़िका तैयारी करुच्ची बड़ बड़ होटेल तैयारी करुच्ची जहाँ बैलेन्स बिगुड़ू हिमालय बेल्ट रे जहाँफल हूँ तो यह चित्र आसमें से मैं परामर्श दौरान जो हिमालय जो रही जो परेश रही सहित कौन सी छिटाट न कले ही सी सुरक्षित रही है कहीं ये पूरा लैंडस्लाइड एरिया जो अधिक लोक रोचे अधिक पा व्यवहार हो सब जीव कड़े तेणु से भाई किसी स्थिति आउ भविष्य न हो बहुत विपद उत्तराखंड को आसी सारी परवर्त पर्याय लोक बचुच्च तेणु एभली जो आज विपद आेणु से उधरियापाई से भगवान को प्रार्थना करने आम प्रार्थना करुचु सबकि ठीक हो जाऊ जो जो विपद ये आसी विपद टी जाऊ ज्योतिर्मय मठ परिसर कैमरा पर्सन आदित्य सहित गगन अर्गस न्यूज़।